हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है, कनपुरिया भाभी के साथ में। और आप लोग देख सकते हैं, कनपुरिया भाभी किचन में है और कनपुरिया भाभी के किचन के होटल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं। और आज किचन में क्या बनने जा रहा है ये हम बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मज़ा बहुत आने वाला है। और आप लोग अगर एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ गए भैया हम किचन में भाभी जी के साथ। अंदर ही अंदर हंस रही थी, मैं बोल नहीं रही थी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने सोचा लो अब बोलेंगे। तो फ्रेंड, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और कनपुरिया भौजी के किचन में स्वागत है। किचन में कनपुरिया भौजी के होटल में स्वागत है आपका। तो आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। क्या बना रही हूँ फ्रेंड? वेज बिरयानी। तो भैया बिरयानी तैयारी चल रही है और पुलाव वाले चावल हैं वो उबाले जा रहे हैं, उबल रहे हैं। इतना सारा प्याज कट करके रख दिया है मैंने, और ये खड़ा कुछ खड़े खड़े मसाले हैं तो इसको मैंने यहाँ रख लिया है। और दिखाते हैं आप लोगों को, ये है धनिया, ये है हरी मिर्ची, ये है मटर के दाने, कुछ मटर छीली हुई, और ये है अदरक। ये क्या है आप लोग जानते ही होंगे क्या है बताइएगा। ये है टमाटर, ठीक है। तो इतना ये रखा है, और भी और है। ये है सोयाबीन फूला हुआ, मतलब फूला के छोटा वाला सोयाबीन। और खड़े मसाले, तो खड़े मसाले मैंने दिखाई दिए हैं आपको, ये रखे हैं, और ये प्याज तो दिखाई दिया था। तो कुछ फ्रेंड इतनी सामग्री है मेरे पास, ठीक है, आज इतना बनेगा। तो मतलब आज हम बिरयानी खाने का मेरा मन था सबसे ज्यादा, तो मन इनका था। बोलिए जी, तुम्हारा था? हाँ जी। तो भैया हम भी किचन में, भाभी के किचन में खड़े हैं, और हमारे बगल में भाभी खड़ी हैं और बना रही हैं इस समय धड़ाधड़ चावल उबाले जा रहे हैं। तो फ्रेंड चावल फाइनली उबल चुके हैं, अब हम चावल को जा रहे हैं मतलब उसको छानने, पानी को अलग करने, चावल को अलग करने, फिर उसके बाद ये प्याज और ये खड़े मसाले, अदरक वगैरह ये सब, वो क्या होता है सोयाबीन, इसको तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर इसको रखेंगे बनने के लिए। तो अभी लगभग बहुत टाइम लगने वाला, लगभग घंटा डेढ़ घंटा लगने वाला है, लेकिन आप लोगों को हम बीच बीच में दिखाते रहेंगे। और मैंने ये फ्रेंड आप लोगों को दिखाया ही नहीं था, ये क्या है, ये एक फूड कलर है, मतलब खाने वाला कलर होता है। तो बिरयानी मतलब ये भी डाला जाता है, तो कुछ कलर ऐसे मार्केट जैसी बिल्कुल सेम बनाएंगे। तो आज हस्बैंड जी खा के तर जाएंगे। तो ये बिरयानी लगभग मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो ज़्यादातर मैं बिरयानी घर पे ही बनाते हैं, बाजार वाली मार्केट में नहीं मंगाते हैं। तो मुझे घर की बिरयानी अच्छी लगती, थोड़ा मेहनत तो लगती है मतलब बनाने में, लेकिन मेहनत फ्रेंड लगती है, लेकिन लगने दो, लेकिन घर में शुद्ध बनाते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो इतना सब हम बनाएंगे अब देर न करते हुए, क्योंकि अगर देर करेंगे तो मेरे चावल है ना जो भात बनिए भात, तो भात ना बनाते हुए बिरयानी बनाते हुए अब हम चावल को जा रहे हैं छानने के लिए। तो ठीक है, बाकी आगे का क्या कहते हैं उसको, आगे का प्रोसीजर आगे का प्रोग्राम जो होगा बिरयानी बनाई जाएगी तो वो अभी दिखाएंगे पूरा, आपको ब्लॉग मिलेगा। तो आज खाने तक का ब्लॉग मिलेगा, ठीक है, तो देखना ना भूलिएगा आप लोग, आप लोग बराबर देखते रहिए। हाँ, अभी हम और तैयारी कर लें फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो भैया फिर मेरी बिरयानी बन चुकी थी, हमने आप लोगों ने बना मतलब वैसे नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि मतलब कोई आ गया था घर पर, भीड़ भाड़ थोड़ा ज्यादा हो गई थी, तो मैंने दिखा नहीं पाए थे बनाते हुए। अब बन चुकी है और हम लोग परस के खान जा ही रहे थे, तब तक मुझे ध्यान आ गया वीडियो वाला, तो मैंने परस दी है, कुछ इसमें बची है, देखिए अभी इतनी बची है, बाकी सब लोग खा रहे हैं, तो आप लोगों का दिखा दें। तो हम लगा तुम तो खा ही चुके हो, लो चम्मच दिखाएं तुमको। तो फ्रेंड यह देखो ऐसी बनाई है मैंने बिरयानी कुछ, तो कैसी लग रही है आप लोगों का कमेंट भैया जरूर बताइयो। मुझे बर्तन ना मेरे तो मैंने इतनी बड़ी थारा में पसी लो, हमने की ये वाली
वैसी रखी थी तो हमने इसी में पर्स लिया है। देखो आप लोग देख सकते हैं कैसी लग रही है भाई बिरयानी मेरी, जैसी भी है तैसी अच्छी है, मुझे पसंद है। अच्छा कैसी लग रही थी? तो ये भैया बहुत मस्त बिरयानी बनी है, इसमें सारी चीजें मिली हुई है, ऐसी आपको होटल पर भी नहीं मिलेगी। ये घर में आपकी यूट्यूब वाली भाभी ने बनाया है, खाने मजा आ गया। ये वेजिटेबल्स बिरयानी है, इसमें सारी सब्जियां और सोयाबीन मिले हुए हैं। और इसमें अगर जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो अंडा या कुछ भी मिला के खाए तो उनका टेस्ट और भी डबल हो सकता है। तो भैया हम लोग तो नए, मतलब जो जितने मसाले थे इसमें पड़े हैं और बिरयानी जैसी होती है एक 5-star होटल की, वो परफेक्ट बिरयानी जो है बनी है। मैं दिल से ये बात कह रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं जब भी बिरयानी बनाते हैं तब ये मेरी तारीफ जरूर करते हैं, चाहे वो खाना करें या ना करें बिरयानी जरूर करें, क्योंकि बिरयानी इनको मेरे यहाँ की बहुत पसंद लगती है, अच्छी लगती है। मेरा बेटा भी खा रहा है, कैसी लग रही बेटा? बहुत अच्छी। अच्छी है हाँ। सब अपने अपनी जगह बैठे हैं, खान के लामू बैठे खा ही रहे थे। मुझे एकदम ध्यान आया हमें लोग, क्योंकि हम हर चीज पर ही है, मतलब मटर वगैरह और सोयाबीन हर चीज तो इसमें डाली गई है, तो अच्छी तो वही बनेगी। मसाले पूरे डाले जाते हैं बिरयानी, वो मसाले पड़े हैं। तो यही मतलब है कि वेजिटेबल्स बिरयानी बनाने के बाद में जो लोग नॉन वेज के शौकीन है उसमें नॉन वेज भी मिला के खा सकते हैं, या अंडा हो गया या चिकन लेग पीस हो गया या मटन हो गया, तो वो लोग इसमें अपना जो है डाल के मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन ये प्योर वेजिटेबल हम लोग सब्जियों वाली खाते हैं अंदर, तो हम लोग बढ़िया बनाई है। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन नहीं बनता, ज्यादातर वेजिटेरियन ही बिरयानी बनती है। तो भैया बहुत अच्छी बनी है, आप लोग भी आइए और जिस किसी को भावे की आंख का बिरयानी खाना, अगर आप लोग उनको बनवाना जैसे है बिरयानी तो मुझे बुला लेना, ठीक है? हम बना के किसी को बिरयानी का ऑर्डर देना है तो वो लोग कमेंट्स करके बता देना, 10 किलो 5 किलो की बिरयानी जो है भाभी जी बना के आप लोगों के लिए, पहले सैंपल में आप बनवा के खा लेना आके, ठीक है? अगर आपको पसंद आए तो आप ऑर्डर दे देना, भाभी जी अपने किचन में बना देंगी। होटल खुला है मेरे घर, भंडारा ही समझो। तो ठीक है फिर मैं आप लोगों को दिखाओ, अब खा पी लें। तो मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट हमें खवाना, ना खवाई एक और चम्मच अपना, खाओ 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 लगे डरे। अब उन तम कहाँ खा लिए, जब खाओ तो घंटा आ जाते बस। तो ठीक है फ्रेंड, मिला था अब नेक्स्ट वीडियो, मेरे वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हम आप लोग बताना जरूर। और हमने आप लोगों को आज घर का सब दिखाया, तो ये रजैया हम तो ये नहीं कट रजैया बैठी बैठी अंदर अंदर खा रहे, मैं कुर्सी बैठी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें आप लोगों को अपने दिल की बात बताने में बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम अपनी जब से हमने अपनी बचपन की शुरुआत की है या जब से हमने सुध संभाली है, यूँ कह सकते जब से हमारा दिमाग जो है समझ में आने लगा था कुछ कुछ, मैं शुरू से गांव से लेकर और पूरी अपनी जीवन की बारे में मैं बताऊंगा, इसलिए आप जुड़े रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब मैं अपने बारे में अपने आपके भाभी जी के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो मेरी भैया बहुत लंबी प्रेम कथा है, आप लोग सुनकर प्रेम कथा है उसके पहले की जो प्रेम, उसके पहले का जो संघर्ष है, जो गांव में जिंदगी काटी जाती है वो संघर्ष है, मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग देखना ना भूलिए और बराबर हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में।